तो आज हम चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 158 से आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले ये अध्याय जो है श्री नित्यानंद जी की महिमाओं के ऊपर केंद्रित है, श्री नित्यानंद राम। और श्री नित्यानंद, आप में से कितने भक्त जो है श्री चैतन्य और नित्यानंद के विषय में जानते हैं या उनके विषय में सुना है? कितने लोग जानते हैं या कितने लोगों को नहीं पता? चलो उल्टा पूछते हैं, कितने लोगों को नहीं पता है नित्यानंद और श्री चैतन्य कौन है? ठीक है, कुछ भक्त हैं। तो नित्यानंद कौन है और श्री चैतन्य कौन है? जब भी आप इस्कॉन में आएंगे तो इस्कॉन में आप देखेंगे राधा कृष्ण की विग्रह सामने होती हैं, और राधा कृष्ण की विग्रहों के साथ में अमूमन देखते हैं कि एक तरफ यहाँ पर क्या है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, जो जगन्नाथपुरी में भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन है। तो जगन्नाथ जी भी स्वयं कृष्ण हैं, बलदेव कौन है, बलराम उनके भाई, सुभद्रा उनकी बहन। और दो विग्रह और देखते हैं आप, जब देखते हैं उनके हाथ ऐसे रहते हैं, तो वो कौन है? एक है श्री चैतन्य, एक है नित्यानंद, और उनको श्री चैतन्य का दूसरा नाम गौरांग भी है, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। अब ये कौन है? कृष्ण बलराम स्वयं। तो श्री चैतन्य कौन है? नित्य श्री चैतन्य स्वयं कृष्ण है। बताया जाता है, आज शास्त्रों में विदित है कि जब भगवान कृष्ण इस धराधाम में आए और उन्होंने लीला प्रकट करी, तो उनकी लीलाओं के माध्यम से भगवान कृष्ण ने क्या किया, जब भगवान अवतार लेते तो उसके प्रयोजन क्या होते हैं, भगवद्गीता क्या बताती है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थ है संभवामी युगे युगे। तो परित्राणाय साधुनाम, साधु को, साधुओं का परित्राण यानी उनको आनंद प्रदान करने या उनकी रक्षा करने, और विनाशाय च दुष्कृताम यानी दुष्कृति लोग कौन हैं, जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते, है ना, या भगवान की सत्ता को या भगवान के साम्राज्य को चैलेंज देते हैं कि कौन है भगवान, और शास्त्र विरोध गतिविधियां करते हैं। तो ऐसे लोगों का जब प्रचलन हो जाता है ज़्यादा, तो भगवान क्या कहते हैं, संभवामी युगे युगे, युग युग में मैं क्या करता हूँ, अवतार लेता हूँ। तो आचार्य बताते हैं कि भगवान को दुष्टों का विनाश करने के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के पास अनेक ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से वो दुष्टों का विनाश कर सकते हैं, कई तरीके हैं। भगवान की इच्छा करने मात्र से क्या हो सकता है, सृष्टि स्त्री प्रलय सब कुछ हो सकता है, केवल इच्छा करने मात्र से। और भगवान की कई एजेंट हैं जो क्या करते हैं, दंड देते रहते हैं, यमराज को इसी सेवा में लगाया गया है, अनेक प्रकार के देवी देवता हैं जो भगवान की सेवा कर रहे हैं इसी कार्य के लिए, माया देवी एक पुलिस बताया गया है, सृष्टि को किस रूप में बताया गया है, एक सुधार गृह के रूप में बताया गया है, जहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुलिस जो है सारे कैदियों को क्या कर रहे हैं, दंड दे दे के सुधार रही हैं। यहाँ पे जितने भी जीव हैं वो क्या है, एक कैदी के समान है, उन्होंने क्या क्या कार्य किया है जिसको उनको सजा मिल गई है, बताया गया भगवद गीता में, इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद मोहिना भारता, क्या किया है कि उन्होंने इच्छा प्रकट करी है और द्वेष रखा है किसके प्रति, भगवान के प्रति। इच्छा क्या प्रकट करी है कि मैं भगवान से अलग होकर क्या करूँगा, भोग करूँगा, खुश रहूँगा, मैं भी एक भगवान बनूँगा, उनकी इच्छा क्या है, मैं भी एक भगवान बनूँगा, भगवान ही क्यों, अकेले भगवान रहेंगे, क्यों ही वो भोग करेंगे, मुझे भी भोग करना है, तो क्या करता है, मैं स्वतंत्र होकर भोग करूँगा। तो उनको एक ऐसी जगह दी है जहाँ पे वो क्या करें, अपनी इस इच्छा को पूरा करने का प्रयास करें। तो इस जगत का निर्माण किया गया है जीवों की इस इच्छा को पूरा करने के लिए, लेकिन ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब जीव का निर्माण हुआ, जीव जब इस संसार में है या जीव का प्रकृति हुई, तो जीव की इनबिल्ट क्वालिटी रही है क्या, कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये उसकी प्राइमरीली कैरेक्टरिस्टिक है कि जीव का सृजन ही हुआ है किसके लिए, कृष्ण का
सेवा करने के लिए। और जब जब ये भूलेगा तब तक वो क्या करेगा, दुखों को प्राप्त करेगा। इसलिए ऐसा जगत, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे कृष्ण के अलावा कोई भोक्ता है, और सबको यही मानते हैं। आध्यात्मिक जगत में जितने भी जीव हैं वो क्या मानते हैं, कृष्ण को ही अपना स्वामी मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसे जीव जिन्होंने सोचा कि मैं क्या करूँगा, कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोगूंगा, तो उनके लिए कोई ऐसी जगह निर्धारित करनी पड़ेगी। तो कृष्ण ने ऐसे लोगों के लिए क्या किया, माया जगत का सृजन किया। और माया जगत के सृजन करने के बाद वहाँ की अधिष्ठाता किसको रखा, यहाँ की जो जेलर रखा उसे किससे रखा, माया देवी को। और ये माया देवी को बोला कि ऐसा जगत का निर्माण करो जहाँ पे जीव क्या कर सके, अपनी इस इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर सके। और तुम क्या करना, उसकी इस इच्छा को, क्योंकि ये तो सही है नहीं, तो धीरे धीरे उसको क्या करना, सुधारते रहना। तो माया देवी के हाथ में क्या रहता है, त्रिडन, तीन ताप वो देती रहती है कि ये इच्छा किसी ना किसी प्रकार से जीव ये इच्छा को सुधार ले, ये समझ जाए कि क्या है, कृष्ण ही एकमात्र क्या है, भोक्ता है, बाकी सब क्या है, दास। तो हम सबको इस जगत में डाला गया। तो कृष्ण जब इस संसार में आए तो उन्होंने देखा कि इस संसार में भगवान क्या करते हैं, प्राइमरीली जो मुख्यतः किस लिए आते हैं, दुष्ट तो सारे हैं इस संसार में, तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को जो इस संसार में जो उनके भक्त हैं उनको क्या करने आते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए आते हैं, और एक विशेष लीला करने आते हैं, जो लीला जो है वो आध्यात्मिक जगत में भी नहीं कर सकते। क्या, क्योंकि कृष्ण क्या है, रसो वैसा, सभी रसों के आगार हैं, सभी प्रकार का आनंद लेना चाहते हैं और सभी प्रकार का आनंद उनसे प्रकट होता है। तो आध्यात्मिक जगत में तो कोई असुर है नहीं जो कृष्ण को चुनौती दे, कौन हो भाई कृष्ण, सब उनके क्या हैं, दास हैं। तो अगर कोई दैत्य का रोल करना चाहता है या भगवान किसी से लड़ना चाहते हैं तो कहाँ हो सकती है उनकी ये इच्छा पूरी, भौतिक जगत में। तो भगवान अपने ही कुछ भक्तों को क्या करते हैं, बोलते हैं तुम जाके क्या बन जाओ, दैत्य बन जाओ और हम दोनों क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसी लीला होती है कि चार कुमार आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ जाते हैं और उनके द्वारपाल, वैकुंठ के द्वारपाल कौन होते हैं, जय विजय, उनको रोक लेते हैं। जैसे ही वो रोक लेते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है और वो उनको क्या देते थे, श्राप दे देते हैं, जाओ तुम क्या करो, नीचे मर्त्य लोक में जाकर दानव बन जाओ। तो भगवान बाहर आते हैं, बोले क्या क्या झगड़ा चल रहा है, जैसे घर के बाहर कोई झगड़ा चल रहा है आपके गेट के बाहर, तो आप देखने जाओगे ना कि क्या झगड़ा हो गया। तो भगवान गेट पे आ जाते हैं, बोले क्या हो गया, तो वो जैसे चार कुमार को देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे मुनिवर, आप हमारे से क्या हो गई, मेरे दोनों भक्तों से क्या हो गई, आपके प्रति गलती हो गई। तो भगवान संबोधित करते हैं कि मेरे दास के द्वारा की गई गलती क्या है, एक स्वामी के द्वारा की गई गलती के समान है। अगर दास ने गलती करी है तो क्या उसकी सजा किसको मिलती है, उसकी गलती किसकी मानी जाती है, स्वामी को। तो भगवान ने ऐसे शिक्षा दी कि ये दोनों जो गेट है, कीपर हैं, ये द्वारपाल हैं, क्या है, वो मेरे हैं, है ना, उनके द्वारा कुछ गलती हुई है तो मेरी ही गलती है, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और आपके द्वारा दिया गया क्या श्राप, इनको लगे, ये रेक्टिफाई करेंगे। तो ऐसा बोलने से, भगवान की ऐसी वाणी बोलने से उन चारों कुमारों को समझ आ जाता है कि भगवान हमसे गलती हुई है। ऐसा बोलकर आप क्या बोल रहे हैं कि हम चारों से गलती हो गई, क्यों, क्योंकि जो आपका भक्त है वो कैसे कुछ गलत कर सकता है, तो त्रुटि कहाँ रही है, हमारे से रही है, और हमने क्या कर दिया है, गलती से उनके बिहेवियर को ना समझते हुए क्या दे दिया है, श्राप दे दिया। फिर भी भगवान ने ये शिक्षा उनको भी दे दी और भगवान ने अपनी इच्छा भी पूरी कर दी थी कि क्या करो, आप दोनों जाके नीचे मेरे लिए लीलाओं करने का प्रयोजन सिद्ध पूर्ण करना। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह देव की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। तो उनको ही क्या बना दिया, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, अगले अवतार में कौन बन के आए, वो रावण और कुंभकर्ण, और फिर उसके बाद कृष्ण अवतार में क्या बने, दंतवक्र और शिशुपाल। ठीक है, तो भगवान ने अपने भक्तों को ही अपनी लीलाओं के लिए
दैत्यों का रोल दे दिया और भगवान उनसे लड़ रहे हैं। तो भगवान ने अपनी इच्छा पूरी करी भक्तों के माध्यम से कि खुद भी लड़ने का आनंद लिया। और दूसरा भगवान क्या करते हैं, एक और लीला करते हैं जो आध्यात्मिक जगत में नहीं हो सकती। वो क्या कार्य है कि जो पतित आत्माएं हैं जो संसार में गिर गई हैं उनको क्या करना, वापस लेके आना। लेके जाना पड़े चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, यही भगवान की कृपा का क्या है, प्रदर्शन है। अगर भगवान हम सबको यहीं सड़ने के लिए छोड़ दे, बोले काल कोठरी में तुम क्या रहो, जेल की सजा खा चुके हो तो सदैव जेल में रहो, तो क्या भगवान की करुणा है इसमें प्रदर्शित होगी? नहीं। करुणा तो तब है जब गिरे हुए लोगों को क्या करें, उठा लिया जाए। तो ऐसी ही करुणा भगवान प्रदर्शित करने क्या करते हैं, संभवामी युगे युगे। भगवान बहुत करुणामय है। लेकिन कृष्ण जब भगवत गीता में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, कंडीशन लगाते हैं, क्या, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, कि जो जिस मात्रा में मुझ पर क्या करेगा, शरणागति प्रदर्शित करेगा, मैं उसको उसी मात्रा से क्या करूँगा, उसकी तरफ अग्रसर हूँगा, उसके प्रति वैसे ही भाव रखूँगा। तो भगवान ने एक कंडीशन लगा दी। तो कोई क्या है, भगवान के प्रति क्या है, ईर्ष्यालु है, तो भगवान उससे वैसे ही रेसिप्रोकेशन करते हैं जैसे ईर्ष्यालु व्यक्ति से कोई रेसिप्रोकेट करता है, है ना। और जो भगवान की इसके प्रति प्रेम रखता है, भगवान उससे प्रेम से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो भगवान की कृपा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण देने के लिए भगवान किस रूप में आते हैं, कि ऐसे लोगों का भी उद्धार करने के लिए भगवान अपना एक जो है स्वयं प्रकट होते, किस भाव में, श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में, है ना। और भगवान साथ साथ अपने साथ क्या रहते हैं, अपने भाई बलराम को लेके आते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में, तो ऐसे लोगों को उद्धार करने के लिए। और देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ अवतरण होता है कलयुग में 500 साल पूर्व नवदीप मायापुर में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होता है, और उनसे ही 26 साल पहले 26 या 13 मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कुछ समय पहले ही नित्यानंद प्रभु का प्रकट होते हैं। नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं एक चक्र धाम में, एक चक्र ग्राम, और चैतन्य महाप्रभु कहाँ प्रकट होते हैं, नवदीप मायापुर बंगाल में। तो ये दोनों भाई प्रकट होते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का मुख्य कारण क्या है, कि उनके अंदर ये इच्छा थी, क्योंकि भगवान कृष्ण कौन है, सभी भगवान के भी भगवान, है ना, सर्व, और उनसे क्या हुए, सभी प्रकार के रस प्रकट हुए। तो आचार्य बताते हैं कि एक बार जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे, और द्वारका में सत्यभामा जी के महल में थे, और सत्यभामा जी के महल में थे और रुक्मिणी क्या कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी कब कृष्ण मेरे महल में भी आएंगे, और इस प्रकार से वो बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रही थी कि कृष्ण आए, और उनका इंतज़ार कर रही थी। तो नारद मुनि आते बोलते कृष्ण आएंगे आपके पास, जरूर आए, जल्दी आने वाले हैं, आप जल्दी से तैयारी कर लीजिए। तो स्वयं कृष्ण के सेवा के लिए कई प्रकार के व्यवस्थाएं करती हैं, है ना, उनके लिए मखमल का बिस्तर बिछाते हैं, कई प्रकार से जो है सफाई करती हैं, और इस प्रकार से बहुत अच्छा वातावरण बना देती हैं। और जब कृष्ण आते हैं और कृष्ण के साथ उनकी आदान प्रदान होता है, तो उसके बाद क्या करते हैं, रुक्मिणी और कृष्ण साथ साथ बैठे होते हैं, और रुक्मिणी कृष्ण के सामने बैठे बैठे क्या करने लग जाती है, विलाप करने लग जाती है, रोने लग जाती है। और कृष्ण देखते हैं कि रुक्मिणी रो क्यों रही है, तो रुक्मिणी से पूछते हैं कि क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हैं, तो रुक्मिणी बोलती है कि आप नहीं समझ पाएंगे। तो कृष्ण को मन में जिज्ञासा उठती है कि मैं क्या नहीं समझ पाऊँगा, हैं, जो भगवान क्या कहते हैं, वेदाहम समतीतानि, मैं सब कुछ जानता हूँ, हैं, और वेद मुझे नहीं जानते, तो मैं क्या नहीं समझ पाऊँगा आपके विषय में, आप बताओ तो सही, प्रयास तो करो। तो बोले आप बिल्कुल नहीं जान पाओगे, बोले आप बताइए। तो बोलते कि आपके प्रति आपके भक्तों का क्या प्रेम है वो आप नहीं जान पाओगे। कृष्ण कहते कैसे, बोले वो केवल मैं और राधा रानी जानते हैं। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा, कृष्ण सोच में पड़ जाते हैं, बोलते हैं हाँ
बात तो ठीक कह रहे हो आप, राधा रानी के हृदय में क्या प्रेम है मेरे, मैं तो उसको जानता ही नहीं और उसका आस्वादन तो मैंने किया ही नहीं आज तक। अब कृष्ण क्या करते हैं, उस रस का आस्वादन करने, जो राधा रानी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है उसको जानने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, अपना एक विशेष रूप लेते हैं। वो क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि राधा रानी का प्रेम बताया गया है शास्त्रों में कि कृष्ण का सौंदर्य देखकर राधा रानी के हृदय का जो प्रेम है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब राधा रानी के हृदय का प्रेम बढ़ जाता है तो उसी क्षण क्या होता है, कृष्ण के सौंदर्य में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इस प्रकार से निरंतर कृष्ण के सौंदर्य और राधा रानी के प्रेम में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है और ये नित्य रूप से चल रही है और दोनों किसी, कोई किसी को नहीं हरा सकता। तो वही रस को आस्वादन करने की, कृष्ण ये जानने की राधा रानी के हृदय में उस वो क्या प्रेम का है आस्वादन करती हैं, उसको जानने के लिए कृष्ण किस रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और चैतन्य क्या करते हैं, राधा रानी के भाव को ग्रहण कर लेते हैं कि राधा रानी क्या महसूस करती हैं उसको जानने के लिए, और उस भाव में आकर, क्योंकि कृष्ण काले हैं और राधा क्या हैं, गौरी, तो राधा रानी की अंग कांति को भी क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए कृष्ण क्या हो जाते हैं, गौर वर्ण के हो जाते हैं और इसलिए उनका नाम पड़ जाता है गौरांगा। तो गौरांगा के रूप में आते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि मेरी क्या मधुरी मधुरता है, मधुरिमा है जो अन्य भक्तों को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। तो इसीलिए हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु अपने लीलाओं में प्रदर्शित करते हैं कि कैसे एक भक्त राधा रानी या अन्य भक्त कृष्ण के प्रेम में क्या है, उन्मत्त है, पागल होते हैं। इसलिए वो कई प्रकार से उस दिव्य उन्माद पागलपन का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। कभी वो रोएंगे कृष्ण का नाम लेते लेते, कभी वो हंसेंगे, कभी वो उछलेंगे, कभी वो गिर जाएंगे, कभी उनके हाथ ढीले हो जाएंगे और कभी वो सिकुड़ जाएंगे। और इस प्रकार से वो कई दिव्य उन्माद के प्रदर्शन करते हैं। जैसे जगन्नाथ जी है, आपको पता है जगन्नाथ जी का ऐसा स्वरूप क्यों है, जगन्नाथ जी भी दिव्य उन्माद में, कृष्ण जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रेम महसूस कर रहे हैं। क्या, किस प्रकार का महसूस, विरह महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार का विरह महसूस कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु भी विरह महसूस कर रहे हैं। वो क्या महसूस कर रहे हैं कि वो कृष्ण के प्रति प्रेम को महसूस कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण यहाँ जगन्नाथ किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, वो कृष्ण का रूप है जो राधा रानी के प्रति क्या कर रहे हैं, विरह को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जगन्नाथ जी कहाँ पर हैं, नीलाचल में। नीलाचल किसको किसको माना जाता है, आचार्य बताते हैं नीलाचल ऐसे हैं जैसे द्वारका। द्वारका में कृष्ण किसको महसूस कर रहे हैं कि वो गोकुल की स्त्रियाँ, ग्वालन, गोपियाँ, और वो रास नृत्य के विषय में सोच कर वो क्या कर रहे हैं, इतने दिव्य उन्माद में आ गए कि वो एकदम सिकुड़ गए, एकदम जैसे होते ना कि स्तब्ध हो गए। जी द्वारका में ऐसा बताया जाता है, द्वारका में एक बार नारद मुनि आए थे और नारद मुनि जब महल में आते हैं तो कृष्ण की विभिन्न रानियाँ जो हैं बहुत उत्सुक होती है कि कृष्ण का प्रेम, वृंदावन से इतना ज़्यादा लगाव क्यों है, क्या है उन गोपियों में, उन ग्वालनों में कि कृष्ण इतना ज़्यादा आकर्षित महसूस करते हैं उनसे, क्यों उनके बीच में इतना प्रेम संबंध इतना प्रगाढ़ है, और वो क्या है वो संबंध, मुझे हमें जानना है, वो लीलाएँ जाननी है। तो वो क्या करते हैं, वो विभिन्न पूछती हैं, वो कालिंदी से पूछती हैं। कालिंदी भी क्या है, यमुना, जो भगवान की रानी है। तो कालिंदी कहती है कि मैं तो भगवान की लीलाओं में थी वृंदावन में यमुना के रूप में, लेकिन एक और व्यक्ति है जो आपको बहुत अच्छे से बता सकती है, वो कौन है, रोहिणी माता। क्योंकि रोहिणी माता भी वृंदावन में भी थी और द्वारका में, तो बोलते हैं कि रोहिणी माता के पास चलते हैं। और रोहिणी माता के पास जाकर वो अनुरोध करते हैं कि हमें बताइए कि वृंदावन की वो लीलाएं क्या हैं जिससे कृष्ण इतना आकर्षित महसूस करते हैं, प्रतिदिन रात को जो है वो गोपियों का नाम लेते हैं, राधा राधा चिल्लाते रहते हैं, क्या है। तो लीलाओं के विषय में बताने के लिए अनुरोध करती है और रोहिणी माता कहती है एक शर्त पे बताएंगे कि अगर कृष्ण और बलराम ने ये लीलाएं सुनी तो क्या हो गया, वो और ज़्यादा विरह महसूस करेंगे और तुरंत क्या करेंगे, जाने का प्रयास करेंगे वृंदावन में। तो क्या करना, आप एक व्यक्ति को नियोजित करो, कहाँ,
दरवाजे के बाहर खड़ा करने के लिए और देखते रहो कि वो दोनों ना आए। तो किसको रखें तो नियोजित किया जाता है सुभद्रा को। और सुभद्रा बाहर खड़ी रहती है और अंदर क्या चल रही है, कृष्ण कथा चल रही है, वृंदावन लीलाएं। और सुभद्रा क्या करने लग जाती है, कहती है मुझे क्यों छोड़ दिया बाहर, मैं भी क्या करती हूँ कान लगा के सुनती हूँ। तो कान लगा के सुनना प्रयास करती हैं, सुनते सुनते क्या करती हैं, इतना मग्न अब्जॉर्ब हो जाती हैं कि उनकी बाह्य चेतना नहीं रहती और वो सुनते सुनते एकदम मग्न हो जाती हैं। और इसी बीच कृष्ण बलराम आते हैं, वो देखते हैं कि सुभद्रा क्या सुन रही है जो इतना कान लगा के सुन रही है और इतना बाह्य चेतना से चली गई उसकी। तो दोनों भी क्या करते हैं, कान लगा के सुनते हैं। और जब तीनों सुनते हैं तो तीनों का क्या हो जाता है, इस प्रकार का भाव के कारण स्वरूप बन जाता है। और इसी बीच में क्या हो जाता है, नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं। नारद मुनि आते हैं और देखते हैं कि भगवान क्या सुन रहे हैं अंदर, और इतना ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। जैसे ही वो आते हैं तो भगवान जो है अपनी बाह्य चेतना में आते हैं और उनको आदर देते हैं कि आइए नारद, आपका स्वागत है, कैसे किस प्रयोजन से आप आए। तो नारद कहते हैं कि वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे को आपसे एक अनुरोध करना है कि आपका इस रूप का दर्शन जो मैंने किया है अत्यंत दिव्य रूप है, और ये रूप मैं चाहता हूँ कि सभी जीवों को प्राप्त हो इसका दर्शन। तो भगवान कहते हैं कि आपकी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूँगा, लेकिन कब, कलयुग में। कलयुग में मैं इस रूप में कहाँ रहूँगा, नीलाचल में दारू ब्रह्म के रूप में स्वयं प्रकट होऊंगा। तो भगवान उसी रूप में कहाँ प्रकट होते हैं, नीलाचल में। तो इस प्रकार जो है कृष्ण जो है स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और उनकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए स्वयं किसको बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु को भी बोलते हैं। क्योंकि जहाँ कृष्ण रहेंगे वहाँ कौन जाएंगे, बलराम। क्योंकि बलराम कौन है, कृष्ण के प्रथम एक्सपेंशन है। और क्यों एक्सपेंड होते हैं भगवान से बताया जाता है, क्योंकि कृष्ण की लीलाओं में सहायता करने के लिए, कृष्ण की विभिन्न लीलाओं में उनका सहायता प्रदान करने के, उनको आनंद देने के लिए बलराम जी प्रकट होते। एक ही प्रयोजन है क्या, कृष्ण की लीला में उनको आनंद देने, और विभिन्न स्वरूपों में उनकी सेवा करते हैं। हर प्रकार की सेवा कौन करते हैं, नित्यानंद बलराम, हर भाव में उनकी सेवा करते हैं, चाहे उनके शांत भाव में हो, उनके क्या बन जाएंगे, खड़ऊ बन जाएंगे, उनके छत्र बन जाएंगे, उनके जनेऊ बन जाएंगे, उनके आभूषण बन जाएंगे, है ना, चाहे दास्य भाव में हो, चाहे साख्य भाव में हो। वृंदावन में कैसे करते थे, जब कृष्ण थक जाते थे गाय चरा चरा के, तो कभी कभी क्या करते थे, वो किसी ग्वाले के लैप यानी इस पे जंगा पे सर रखकर सो जाते थे, और कभी कभी बलराम क्या करते थे, उनके चरण दबाने लग जाते थे, कभी कभी पंखा करने लग जाते थे, और कभी सखा के रूप में क्या करते, कुश्ती करते थे, खेलते थे, और कभी कभी उनके ऊपर, क्योंकि बड़े भाई थे तो वो क्या करते थे, वात्सल्य भाव दिख रहा था, ये नहीं करना तुम्हें, ये नहीं करना, है ना, ऐसा भी करते थे। और माधुर्य भाव में कैसे, माधुर्य भाव में भगवान की अनंग मंजरी के स्वरूप में क्या करते थे, सेवा करते। और भगवान श्री बलराम और कृष्ण के बीच में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार कृष्ण अपनी रासलीला करते हैं, वृंदावन दास ठाकुर कहते थे, जैसे कृष्ण बुक में भी लिखा है कि बलराम भी अपनी रासलीला करते हैं, तो वृंदावन दास ठाकुर आचार्य बताते हैं कि बलराम की ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे रासलीला करनी है, लेकिन कृष्ण की इच्छा थी कि बलराम क्या करें, रासलीला करें। क्यों, क्योंकि बलराम से आकर्षित जितनी भी गोपियां हैं उनकी इच्छा पूर्ण हो, तो बलराम स्वयं जाते हैं और उन गोपियों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेकिन स्वयं उनका भाव क्या है, चैतन्य रे दास मुई चैतन्य रे दास, चैतन्य रे दास मुई तार दास रे दास। जैसे अद्वैत आचार्य के विषय में ये श्लोक बोला गया है चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में, कि वो अपने आप को क्या समझते हैं, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान के दासों का दास हूँ। उसी प्रकार से कृष्ण बलराम का मनोस्मृति क्या है, कि मैं कृष्ण का दास हूँ। इसी प्रकार से जैसे
बलराम जी क्या करते हैं, एक बार बलराम जी जब सांब को है ना, नहीं हाँ, जब कुरु वंश ने क्या कर लिया, पकड़ लिया था, और क्या हो गया, युद्ध हो गया, युद्ध की बात होने लगी कि कुरु अगर नहीं छोड़ेंगे उन्हें तो क्या होगा, युद्ध होगा। तो बलराम जी क्या करके जाते हैं, एक शांति दूत बन के जाते हैं और शांति दूत बन के उनसे अनुरोध करते हैं कि छोड़ दो उन्हें और विवाह करा दो। तो वो नहीं मानते, बोलते क्या तुम यादव, तुम क्या हो, हमारे अधीनस्थ हो, हम कुरु हैं, हम पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं और तुम क्या हो, हमारे नीचे हो। और ऐसा लग रहा है कि आज पांव की जूती सर पे चढ़कर बोल रही है। तो जब ऐसा बोलते हैं तो बलराम बोलते हैं कि आप सबने क्या समझा है, कृष्ण को आपके राज्य की पड़ी है, कृष्ण वो हैं जिनके चरणों की धूली लेने के लिए विभिन्न प्रकार के राजा लाइन पे खड़े रहते हैं और उनकी आशा करते हैं कि उनकी चरण की धूली क्या पड़े, उनके मुकुट पे हो। और उसकी बात तो छोड़ो, राजाओं की, ब्रह्मा शिव नारद और स्वयं मैं भी भगवान की चरण धूली के लिए ललायत रहते हैं। तो बलराम की इस वाणी से पता चलता है कि बलराम क्या है, स्वयं अपने आप को क्या मानते हैं, कृष्ण का दास। तो वही बलराम क्या करते हैं, चैतन्य लीला में जब कृष्ण की इच्छा होती कि मैं राधा रानी के भावों को समझूं, तो चैतन्य महाप्रभु के सेवा के लिए नित्यानंद प्रभु के रूप में कौन आते हैं, बलराम आते हैं। और उनकी कृपा को समझ पाना वेद गुही है, क्योंकि कृष्ण को समझ पाना क्या है, बताया गया है भगवद गीता में, क्या बताया, माम तु वेद न कश्चन, है ना, कि मुझे वेद नहीं जानते, वेदों में भगवान गुही है, उनसे ज़्यादा गुही है कौन है, नित्यानंद प्रभु को समझ पाना, बलराम क्यों समझ पाना। और केवल बलराम जी की कृपा से ही बलराम जी को समझा जाता है। तो आज के श्लोक को पढ़ते हैं, मैं थोड़ा पीछे से चलेंगे, नित्यानंद स्वरूप 149 से चलेंगे। नित्यानंद स्वरूप पूर्वे हय्य लक्ष्मण लघु भृत्या हय्य कोरे रामेर सेवन, कि नित्यानंद स्वरूप जो नित्यानंद प्रभु हैं वो पहले पूर्व में क्या थे, लक्ष्मण थे, लघु भृत्या हय्य करे रामेर सेवन, लेकिन छोटे भाई थे इसलिए क्या करना पड़ता था, बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। रामेरा चरित्र सब दुखेर कारण स्वतंत्र लीलाया दुख सहेन लक्ष्मण, राम की लीला दुखों से भरी हुई थी। अब राम की लीला में क्या आता है, कष्ट ही कष्ट है, भगवान राम स्वयं जो है भगवान है लेकिन कहाँ चले गए, जंगल चले गए, नंगे पांव हैं, कांटे हैं, और अब क्या हो गया, जंगल में जा गए, सीता मैया का हरण हो गया, ऐसा ऐसा दुख सहन करना पड़ा। और ऐसे दुख की घड़ी को देखकर भक्त क्या प्रसन्न होते हैं, नहीं, तो लक्ष्मण जी प्रसन्न थे, नहीं, लक्ष्मण जी सोच रहे थे क्यों राम इतने दुखी ऐसी लीला कर रहे हैं, तो बड़ा दुख हो रहा था उनके हृदय में। और अब उनकी दूसरा ऊपर से क्या करना पड़ता था, हर बार कुछ भी लक्ष्मण सेवा करने का प्रयास करते थे, राम उनको रोकते थे, बोले ऐसा नहीं करना, बोले अभी सुग्रीव को मार दूँ, नहीं ऐसा नहीं करना, अभी लंका को जला दो, ऐसा नहीं करना। तो बार बार बोलते थे कि क्या इतना कष्ट उनको देखा नहीं जा रहा था। फिर क्या करते हैं, निषेध करीते नारे याते छोटा भाई मोन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाई। तो छोटा भाई होने के कारण भगवान राम को रोक भी नहीं सकते थे, मर्यादा पालन, क्योंकि रोल ऐसा है कि मर्यादा पालन करना पड़ेगा, और अवतार भी हुआ था मर्यादा पालन करने के लिए। तो वो शांत रहे और मन में क्या थे, बहुत ही दुखी थे, हृदय में अच्छा नहीं लग रहा था इनको। फिर क्या कहते हैं, कृष्ण र अवतारे ज्येष्ठ हैला सेवार कारण कृष्ण कृष्ण के करीला नाना सुखा स्वादन। जब कृष्ण अवतार हुए तो बलराम ने कहा कि मैं क्या आऊँगा, ज्येष्ठ बनकर ही आऊँगा, इस बार बड़ा बनूंगा मैं, और कौन आज्ञा पालन करेगा, तुम, तो खुद बन गया क्या, बलराम। और अपने हृदय जितना उनका हृदय था जो भी चाहते थे वो
उस प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा करते थे। तो अब क्या हो गए, सुखी हो गए, और सेवक को क्या मिल गया, भरपूर छूट मिल गई कि सेवा करने का अवसर प्राप्त हो गया, है ना, तो वो क्या हो गए, खुशी। तो बलराम जी सिखाते हैं कि एक सेवक को खुशी किस में मिलती है, जब वो भगवान की सेवा करता है, उसमें जो आनंद प्राप्त होगा वो क्या होगा, आनंदम बुद्धि वर्धनम, वो बढ़ता जाएगा। वो सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, तो चाहते हैं कि कृष्ण की सेवा में हर प्रकार से कृष्ण की सेवा करूं। आगे क्या कह रहे हैं, राम लक्ष्मण कृष्ण राम रामेर अंश विशेष अवतार काले दोह दोहाते प्रवेश। तो जब कृष्ण और बलराम आते हैं तो उनके साथ उन्हीं के अंग में कौन होते हैं, राम और लक्ष्मण। तो कृष्ण के ही अंश है कौन, राम लक्ष्मण। तो दोनों किसके शरीर में होते हैं, कृष्ण के शरीर में रहते हैं, राम और लक्ष्मण कौन होते हैं, बलराम के, ठीक है। जब दोनों आते हैं, सही अंश लय ज्येष्ठ कनिष्ठाभिमान अंश अंशी रूपे शास्त्रे करे न व्याख्यान। लेकिन कृष्ण बलराम क्या है, एक छोटे की भूमिका निभा रहे हैं और एक बड़े की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन शास्त्र बताते हैं एक कृष्ण जो है यद्यपि छोटे हैं लेकिन वो क्या है, स्वयं भगवान है, और बलराम यद्यपि बड़े हैं फिर भी क्या है, उनके अंश हैं, ठीक है, ये बात जानना अवश्य है। जैसे शास्त्र में कैसे बताया गया, रामादिमूर्ति शुकले कला नियमेन तिष्ठन नाना अवतार मकरोद भुवनेशु किंतु कृष्णा स्वयं संभवत परमः पुरमानियो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन गोविंद की उपासना करता हूँ जिनके विभिन्न अंश इस संसार में राम लक्ष्मण अन्य अन्य विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, और जो स्वयं श्री कृष्ण के रूप में इस संसार में प्रकट हुए, ठीक है। श्री चैतन्य श्री कृष्ण नित्यानंद राम नित्यानंद पूर्ण कोरे चैतन्य काम। श्री चैतन्य ही कृष्ण है और नित्यानंद ही बलराम है। श्री नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, श्री चैतन्य प्रभु महाप्रभु की इच्छाओं को पूरा करते हैं। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार एक कर्ण स्पर्शी मात्र से कृपा तहार। नित्यानंद प्रभु की कृपा का सागर अनंत और अपार है, केवल उनकी कृपा से ही मैं केवल एक बिंदु को उनको स्पर्श कर सकता हूँ या गुणगान कर सकता हूँ। आज 158 श्लोक से आगे बढ़ते हैं, और एक शून तार कृपा र महिमा अधम जीवेर छड़ाईला ऊर्ध्व सीमा। कृपया करके एक और उनकी कृपा के विषय में सुनिए, क्या उन्होंने क्या कर दिया, इस अधम जीव को ऊर्ध्व सीमा और उसकी क्या कर दिया, एक ऊर्ध्व यानी बहुत उन्नत चीज की प्राप्ति करवा दी। इस अधम जीव को क्या करा दिया, उन्नत चीज की प्राप्ति करा दी। वेद गुह्या कथा ऐ अयोग्य कहिते तथापि कहिए तार कृपा प्रकाशिते। उस महिमा का व्याख्यान, श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा को व्याख्यान करना प्रॉपर नहीं है, यानी उपयुक्त नहीं है। क्यों, क्योंकि वेदों में उसे गुह्य रखा गया है। श्री नित्यानंद प्रभु की ही इच्छा है उसे क्या किया जाए, गुह्य रखा जाए, लेकिन फिर भी मैं उस महिमा का व्याख्यान करना चाहूँगा, क्यों, ताकि सभी को उनकी कृपा के विषय में पता चल सके। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की महिमा को उजागर करने के लिए ये कॉन्फिडेंशियल जो गुह्य चीज है उसको क्या कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। ये गुह्य क्या है, उल्लासी ऊपरी लेखो तोमार प्रसाद नित्यानंद प्रभु मोर क्षमा अपराध। मैं अत्यंत उल्लास के कारण नित्यानंद प्रभु आपकी महिमा का व्याख्यान कर रहा हूँ, कृपया करके मुझे इस अपराध के लिए क्षमा कर दीजिएगा। अवधूत गोसाएर एक भृत्य प्रेम धाम मीमा मीन केतन रामदास हयतार नाम। नित्यानंद प्रभु के एक सेवक थे जिनका नाम था मीन केतन रामदास, जो कि प्रेम की खान थे, है ना, प्रेम धाम, प्रेम के धाम थे, यानी उनके हृदय में कौन क्या थे, कृष्ण प्रेम।
और क्या करते थे, आमार आलय अहो रात्र संकीर्तन ताहा ते आईला ते हो पायन निमंत्रण, कि मेरे घर में दिन रात क्या होता था, नाम संकीर्तन होता था। लेकिन वो क्या करे, एक दिन वो मेरे घर पे आए क्योंकि उनको निमंत्रण प्राप्त हुआ तो मेरे घर पे आ गए। महाप्रेममय तिहो वसीला अंगने सकल वैष्णव तार वदिला चरणे, क्योंकि वो दिव्य प्रेम में उन्माद में थे तो मेरे आंगन में बैठ गए। और जब वो ऐसे प्रेम के वशभूत होकर उस आंगन में बैठे हुए तो सभी वैष्णव उनके चरणों में प्रणाम कर रहे थे। नमस्कार करिते कोर ऊपर ते छड़े प्रेम कोरे वंशी मारे कहाँ के चापड़े। जब वो इस दिव्य उन्माद के कृष्ण प्रेम के इस दिव्य उन्माद में थे तो क्या करते थे, वो कभी किसी के कंधे के ऊपर चढ़ जाते थे, जो कि उनको नमस्कार कर रहा था उनके कंधे के ऊपर बैठ जाते थे। और क्या करते थे, कभी वो दूसरों को अपनी बांसुरी से मारते थे, ऐसे ऐसे मारते थे, और कभी क्या करते थे, किसी को झापड़ मार देते, ऐसे मारते थे, क्योंकि वो भाई चेतना में नहीं थे, वो बहुत आंतरिक चेतना में थे। और क्या करते थे, ये नयन देखिते अश्रु होय मने यार से नेत्रे अविच्छन वसे अश्रुधार। जो कोई भी मीन केतन रामदास की आंखों में देखते थे तो उनकी आंखों से आंसू अपने आप बहना शुरू हो जाते थे, इस प्रकार का उनका भाव में रहते थे। और रामदास यानी मीन केतन रामदास की आंखों से भी निरंतर आंसू बहते रहते थे। तो ये आंसू बहना दिव्य प्रेम के उन्माद के लक्षण में से एक है। और ये आंसू गर्म आंसू नहीं होते थे, मतलब एक होता है गर्म आंसू और एक ठंडे आंसू। तो आचार्य बताते हैं कि जो ठंडे आंसू होते हैं वो क्या होते हैं, वो तब निकलते हैं उसका भाव जब हम खुश होते हैं, बोलते हैं ना खुशी में आंसू आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो उस समय वो आंसू क्या होते हैं, वो गर्म नहीं होते, ठंडे होते हैं। तो जब कोई आंतरिक अवस्था में होता है और खुशी का अनुभव कर रहा होता है तो उनके आंखों से जो आंसू रहते हैं वो कैसे होते हैं, ठंडे से होते हैं, बहुत कूलिंग, उसमें वो क्या करते हैं और इन्जॉय महसूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कभू कोन अंगे देखी पुलक कदम्ब एक अंगे जड़े तार आर अंगे कंप। तो उनके बदन में ऐसा लगता था जैसे कदम के फूल की तरह, देखे कदम के फूल देखे आपने गोल गोल, तो जैसे वो निकल जाते थे ऐसे बाहर आ जाते थे। और कभी कभी उनके अंग एकदम जैसे वो हो जाते ना स्टंड, जैसे बिना मूवमेंट के एकदम खड़े हो जाते, स्तब्ध हो जाते थे। और कभी वो क्या करते थे, कंपन करने लग जाते थे। नित्यानंद बोली अबे करे न हुंकार तहां देखी लोके रहोय महा चमत्कार। तो कभी कभी वो इतना जोर से नित्यानंद चिल्लाते थे, नित्यानंद। और कभी कहते थे ऐसा देखकर लोग क्या हो जाते थे, बड़े ही विस्मित हो जाते थे कि क्या हो गया इनको। गुणार्व मिश्र नामे एक विप्र आर्या सही मूर्ति निकट तेहो करे सेवा कार्या। तो वहाँ पर ही एक गुणार्व मिश्र करके एक भक्त है जो विग्रहों की सेवा कर रहे थे, जैसे यहाँ पुजारी सेवा करते हैं वैसे। और अंगे अनंगे ने आशिया तेहो ना कैला संभाष तहाँ देखी क्रुद्ध होया बले रामदास। जब रामदास वहाँ बैठे हुए थे तो क्या हुआ, ब्राह्मण ने उनको आदर नहीं दिया और इसको देखकर रामदास मीन केतन रामदास बहुत ही क्रुद्ध हुए और इस प्रकार से बोले, ए तो द्वितीय सूत रोम हर्षण बलदेव देखी ये ना करीला प्रत्युगम। कि यहाँ देखो ये कौन है, दूसरा रोम हर्षण सूत आया है, इसने क्या किया है, जो कि भगवान बलराम को देखकर क्या नहीं हुआ, खड़ा नहीं हुआ। क्यों बोल रहे हो भगवान बलराम को देख के खड़े नहीं हुए, वहाँ तो केवल रामदास थे, क्योंकि वो आंतरिक रूप से क्या थे, भगवान बलराम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे दूतावास में जो दूत होता है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, राष्ट्रपति को। अगर आपको राष्ट्रपति किसी राष्ट्र का कोई प्रधान सेवक वहाँ पे आया है, राष्ट्रपति की को आदर देना, इसका मतलब क्या है, उसके दूत को भी आदर देना होगा। तो भगवान बलराम, और ये तो स्वयं भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके हृदय में स्वयं बलराम जी विराजमान करते हैं, तो बलराम जी को देखकर उन्होंने क्या नहीं किया, उनको रिस्पेक्ट देने का मतलब क्या है, वो रिस्पेक्ट किसको जारी है, बलराम जी को। तो हुआ क्या था, इसके विषय में बताते हैं इस श्लोक पे। एता बोली नाचे गाये कर संतोष कृष्ण को कार्य कर विप्र ना करीला रोष।
ऐसा कहने के बाद वो नित्य और गाने कीर्तन करने लगे, अपने हृदय से जितना उनके हृदय में था उस प्रकार से नृत्य गायन करने लगे। लेकिन ब्राह्मण जो गुणान विशिष्ट थे उनको उन्होंने इस बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि वो क्या कर रहे थे उस समय, भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे थे। तो इसका तात्पर्य है कि मीन केतन रामदास भगवान नित्यानंद के एक महान भक्त हैं। जब वो कृष्णदास कविराज के घर में आए तो गुणान विशिष्ट जो कि पुजारी की सेवा कर रहे, पुजारी के रूप में विग्रहों की सेवा कर रहे थे उनके घर में, उनको अच्छी प्रकार से आदर नहीं दे पाए। इस प्रकार से जिस प्रकार रोमहर्षण सूत्र जब बलराम क्या कर रहे थे, परिक्रमा जब तीर्थाटन कर रहे थे और नैमिषारण्य में पहुँचे, तो रोमहर्षण सूत्र उस समय व्यास गद्दी में बैठे थे और सभी जितने भी साधु थे उन सब ने भगवान बलराम को आता देखकर उनको आदर दिया, प्रणाम किया। लेकिन रोमहर्षण सूत्र उसमें व्यास आसन पे थे तो उन्होंने बलराम जी को आदर नहीं दिया, तो बलराम जी ने क्या किया, उसे क्या माना, अपराध लिया। उन्होंने बोला कि ये सूत जो है क्या हुआ है सूत, सूत का मतलब विपरीत उससे प्रकट हुआ, प्रतिलोम विवाह से प्रकट हुए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को आचार्य की भूमिका में प्रदर्शन कर रहे हैं और जानते नहीं कि आचार्य को क्या करना चाहिए, आचार्य को भगवान को आदर प्रकट प्रदर्शन करना चाहिए। भगवान स्वयं प्रकट सामने हैं लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को भगवान से भी ऊंचा मान रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, रोमहर्षण सूत्र का उसी समय क्या कर दिया, वध कर दिया, अपने एक घास के तिनके से क्या कर दिया, वध हो गया। तो गुणारोमिश का ये व्यवहार उसी प्रकार है जिस प्रकार से रोमहर्षण सूत्र ने बलराम को नहीं आदर दिया, उसी प्रकार से गुणान विष्णु ने किसको, नित्यानंद प्रभु को आदर नहीं दिया। और इस प्रकार से मीन केतन रामदास को ये बात अच्छी नहीं लगी और इसी मानसिकता के कारण मीन केतन रामदास को जो है वहाँ से चले गए, ठीक है, और उन्होंने कभी उनको ऐसा नहीं माना। तो आचार्य बताते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कोई मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसके साथ क्या होता है, बताया गया है दशम स्कंद के बताया गया, दशम स्कंद के दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में बताया, आयु श्रियम यशो धर्मम लोका नामाशिष एवच हंतीम श्रेयांसी सर्वाणी पुंसो महद अतिक्रमः। जो कोई व्यक्ति महत जनों का अनादर करता है तो उसके साथ क्या हो जाता है, हे राजा उस व्यक्ति के जितना भी आशीष है, किस चीज़ का आशीष, लंबी आयु का, आयु श्री उसकी जितना भी ऐश्वर्य है वो खत्म, और क्या यश जितना भी नाम कमाया वो खत्म हो जाएगा, और फिर क्या होगा, धर्म जितना भी धर्म से पुण्य कमाया, धर्म बनता है धर्म गतिविधियां करता है वो भी नष्ट हो जाएंगी, फिर क्या हो जाएगा, हाँ लोका नाम आशीष हाँ? और लोका नाम, लोका नाम उच्च कुल में जाने का जितना भी उसने पुण्य कमाया था उच्च कुल में जाना भी रास्ता बंद हो जाएगा और ये सब नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बताते हैं कि वैष्णव सदाचार जो है, एक भक्त का आभूषण क्या है, वैष्णव सदाचार, किसी भी परिस्थिति में भक्त को क्या नहीं करना चाहिए, वैष्णव सदाचार का त्याग नहीं करना चाहिए, उसका हमेशा सदैव पालन करना चाहिए। और वैष्णव सदाचार क्या बताता है, जब कोई महान भक्त आता है तो एक सदाचार ये है कि ऐसे महान भक्तों को यदि कोई पुजारी की सेवा भी कर रहे हैं तो उसे क्या करना चाहिए, आदर शो करना चाहिए। इसलिए कभी वैसे नहीं कर सकते, शारीरिक रूप से नहीं कर सकते तो कैसे करते हैं, मानसिक रूप से करते हैं, तो किसी ना किसी प्रकार से उनको आदर को प्रकट करना चाहिए। और ये आदर कोई नहीं करता तो उसके ये सारे क्या हो जाते हैं, अपराध में उनका आयु यश श्री है ना, लोक का नाम धर्मम सब नष्ट हो जाता है। और ये मीन केतन रामदास को बात अच्छी नहीं लगी। बाद में देखते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि मेरे भाई ने भी क्या किया, नित्यानंद प्रभु को उचित आदर नहीं दिया, और बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु को यदि
कोई बोलता है कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को तो पूछता हूँ लेकिन क्या करता हूँ, नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की लीलाएँ बड़ी ही विस्मित कर रहने वाली है। नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, ऐसी ऐसी लीलाएँ करते हैं कि कोई जो लौकिक और भौतिक परिधि से बाहर है, वो कभी ऐसे लोगों को भगवान की कृपा देने के लिए चले जाएंगे जिनको कोई सोच नहीं सकता। क्या आपको कोई बोला जाए कि आपको प्रचार करना है, लेकिन और प्रचार किसको करना है, जो सबसे ज़्यादा पाप करता हो, सबसे ज़्यादा क्या करता हो, गैंगस्टर हो, सबसे बड़ा गैंगस्टर हो, उसको आपको प्रचार करना है, आप कर सकते हैं? कोई सोचेगा मुझे गैंगस्टर को प्रचार करना है तो आप मानेंगे नहीं। नित्यानंद प्रभु स्वयं लिटरली हर एक गैंगस्टर को पकड़ पकड़ के भक्त बनाते थे। जगाई मदाई से बड़ा गैंगस्टर उस समय कोई नहीं था। उनको पकड़ के क्या किया, नित्यानंद प्रभु के हृदय में आया कि मुझे क्या करना है, अगर चैतन्य महाप्रभु की सेवा करनी है और बोलना है कि कोई ऐसा अवतार है जिसने सबसे ज़्यादा करुणा दिखलाई है तो कौन है, चैतन्य महाप्रभु, तो कैसे प्रदर्शित होगी, जब मैं इन दोनों का उद्धार कर दूंगा। तो उन दोनों को भक्त बनाया, चाहे उन दोनों ने नित्यानंद प्रभु पे जीवन के ऊपर प्रहार किया, मतलब मार डालने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु ने उनको क्या कर दिया, कृष्ण प्रेम दे दिया। ऐसा नहीं एक इंसिडेंट में दिया, जब वापस कहाँ आए थे, नदिया में आए थे, नदिया में आए और नदिया में आने के बाद प्रचार कर रहे थे, तो एक बार वो ऐसे घर में थे और घर में वहाँ के जितने भी डाकू थे उन्होंने देखा कि यार नित्यानंद नाम का ये शख्स जो है ना बहुत ही अचंभित करने वाला, इसके हाथ में जो है इतने सोने के गहने हैं, सोने की माला पहनी हुई है, पहनता तो बहुत कुछ है, तो हमें क्या करना चाहिए, और अकेला रहता है तो क्या करना चाहिए, एक दिन डाका डाल देना चाहिए, इसके लूट लेंगे, चलो अच्छा अवसर है। तो सैंध लगाते हैं, बोले इसको एक दिन घर में कौन कौन रहता है, देखते घर पे कोई रहता नहीं ज़्यादा, तो रात भर एक दिन एक रात को क्या करते हैं, बाहर बैठ जाते हैं और देखते हैं उस रात को क्या होता है, नित्यानंद प्रभु की कृपा से माया देवी का प्रभाव उनके पास आ जाता है और वो सारे सो जाते हैं। तो एक बोलता है ना तू क्यों सो गया, दूसरा बोलता है तू भी तो सो गया था मुझे क्यों बोल रहा है, बोला आज तो छूट गया बच गया। दूसरी रात को जाता है, दूसरी रात को बोलते हैं तो देखते हैं कि दो दो पहरेदार मुश्कंडे बहुत बड़े बड़े वहाँ बाहर पहरा दे रहे हैं, तो बोले अरे आज ये दो पहरेदार कहाँ से आ गए, तो बोलते आज तो हो नहीं पाएगा। तीसरे दिन आते हैं तो तीसरे दिन क्या होता है कि इतना तूफान आ जाता है कि तीनों सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कोई झाड़ी में गिर जाता है, कोई नदी में गिर पड़ता है, कोई इधर भाग जाता है। तो कहते हैं यार हम इतनी दिनों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, इसको लूट ही नहीं पा रहे इनको। तो बाद में उनको रिवील होता है, देवी की कृपा से उनको रिवील होता है कि नित्यानंद कौन है, स्वयं भगवान है। तो अपने अपराध को क्या करते हैं, क्षमा मांगने उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें शिष्य स्वीकार कीजिए, तो नित्यानंद प्रभु उनको शिष्य स्वीकार करते हैं और ऐसे लोगों को देते हैं। एक ऐसा सन्यासी होता है वो सन्यास धर्म को पालन ही नहीं करता, वो घर में क्या करता है, डेली शराब पीता था सन्यासी दिखाने को, लेकिन क्या करता था, डेली शराब पीता था। तो चैतन्य महाप्रभु को बोलता है कि आओ आज आपको जो है एक सन्यासी के दर्शन कराऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ठीक है भाई, सन्यासी है तो सन्यासी के दर्शन करेंगे, अच्छा है। तो चैतन्य महाप्रभु को लेके कहाँ चले जाते हैं, उस सन्यासी के घर में चले जाते हैं। और सन्यासी जब आते तो सन्यासी के घर में अब पीता था शराब ही था, तो बोलता है गोसाई आनंद लेंगे आनंद। तो बोलते ये आनंद आनंद क्या बोल रहा है, तो बोले ये जो है शराब के विषय में बात कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को जैसे सुनते हैं तो कहते हैं हरी हरी हरी, और सुनते ही क्या करते जाते हैं, भाग जाते हैं, और भाग कर क्या करते हैं, गंगा में कूद जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके हृदय में एक ही करुणा का भाव है, क्या, जीवों को किस प्रकार से कृष्ण प्रेम दिया जाए, किस प्रकार से इन अभागे लोगों का भाग्य को क्या किया जाए, उदय किया जाए। अगर ऐसे अभागे लोगों को का भाग्य हमने उदय नहीं किया तो हम कैसे नहीं कहलाएंगे, करुणा अवतार नहीं कराएंगे। इसीलिए आज के सॉन्ग में हमने क्या पढ़ा, हेनो जिस व्यक्ति ने नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों के प्रति क्या नहीं किया, अनुराग उत्पन्न नहीं किया, या उनका नाम नहीं लिया तो क्या है, उसका जन्म ही व्यर्थ गया, वो कैसा है, एक पशु के समान है। इसीलिए आचार्य उनको क्या कह रहे हैं, पशु के समान। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु को जो नहीं मानता और चैतन्य महाप्रभु को मानता है तो उसको मैं मके क्या मानता हूँ, उसको मैं असुर मानता हूँ। क्यों, ऐसे बड़े बड़े असुर रहे जिन्होंने भगवान विष्णु के तो भक्त रहे लेकिन क्या करें,
कृष्ण से ईर्ष्या करी। कौन थे वो? जरासंध। जरासंध भगवान विष्णु का भक्त था, दान पुण्य करता था, लेकिन किससे ईर्ष्या करता था? कृष्ण से। कृष्ण को मारूंगा जरूर, और पूजा किसकी करता था? विष्णु की। एक और ऐसा असुर था, कौन? मेघनाथ। मेघनाथ क्या करता था? विष्णु की उपासना करता था, यज्ञ भी कर रहा था विष्णु की, और किसको मारने के लिए? भगवान राम को मारने के लिए। ठीक है, तो ऐसे भी कौन रहते हैं? असुर रहते हैं, जो भगवान की उपासना करते हैं भगवान को मारने के लिए, क्योंकि उनको भगवत तत्व का ज्ञान नहीं है। इसीलिए भगवत तत्व को जानना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति भगवत तत्व को नहीं जानता तो उसकी मानसिकता कैसी रहेगी? आसुरिक रहेगी। वो सदैव क्या करना चाहेगा? भगवान को ही शोषण करना चाहेगा। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ऐसे व्यक्ति, कृष्णदास कविराज आज आगे श्लोक में बताएंगे कि ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा एक नास्तिक बनना ज़्यादा बेटर है। ऐसे धोखेबाज बनने से बढ़िया क्या है? नास्तिक बन जाओ, लेकिन ऐसा धोखेबाज मत बनो जो नित्यानंद प्रभु के प्रति विश्वास नहीं रखता, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति विश्वास रखता है। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही सारे भक्तों को कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। नित्यानंद प्रभु की कृपा से कृष्णदास कविराज बताते हैं कि मुझे वृंदावन धाम का प्राप्त हुआ है। नित्यानंद प्रभु की कृपा से रघुनाथ दास गोस्वामी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे वो नित्यानंद प्रभु के प्रति क्या थे? पूर्ण समर्पित थे। शिवास पंडित बोलते थे कि नित्यानंद प्रभु चाहे वैशालय में चले जाए, चाहे मदिरालय में चले जाए, लेकिन फिर भी मैं उनके प्रति अपने समर्पण को नहीं छोड़ूंगा, मेरा समर्पण इतना है। और इससे प्रसन्न होकर ऋषि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चाहे लक्ष्मी देवी को भीख मांगना पड़ जाए, लेकिन आपके घर में कभी लक्ष्मी की, ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी, मैं आपका आशीर्वाद देता हूँ। तो इस प्रकार का विश्वास हमें भी जागृत करना चाहिए नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में, और ये प्रयास करें, क्योंकि जब हम नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों के में समर्पित हो जाएंगे तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का क्या हो जाएगी? उजागर हो जाएगी। और जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा उजागर हो जाएगी तो हमें राधा कृष्ण की तत्व ज्ञान जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, श्रीताय गौर सुंदर की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, एक प्रश्न, बाकी सभी जा सकते हैं। थैंक यू। यस प्रीत, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, अच्छा लेक्चर दिया आपने प्रभु जी। प्रभु जी, ये कृष्ण जी और क्या नाम, बलराम नहीं राम, ये क्या नाम, बोलिए बोलिए, कोई आगे कंटिन्यू कीजिए। जय, जैसे तुलसी महारानी के जो करते हैं ना पूजा, हाँ, तो शाली, शालीग्राम पूजा, तुलसी शालीग्राम विवाह, हाँ, इसमें मतलब कृष्ण जी और उसमें क्या अंतर है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भगवान विष्णु पे, हाँ विष्णु में, हाँ, क्या अंतर है? तो भगवान कृष्ण, देखिए तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर जी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेम तत्व है। आचार्य बताते हैं कि जिस प्रकार से एक मोमबत्ती से हम क्या करते हैं, विभिन्न मोमबत्तियों को जलाते हैं, तो सभी मोमबत्तियों का प्रकाश सेम है, लेकिन फिर भी एक ओरिजिनल मोमबत्ती थी जिसने सभी को जलाया। उसी प्रकार से तत्व की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, वही कृष्ण वही विष्णु हैं। लेकिन फिर भी कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से हमें पता चलता है कि भगवान कृष्ण ही ये उद्घोषणा करते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही क्या हूँ, सबका प्रभु। भागवत में भी लिखा है, तीसरे स्कंद में आता है कि जब कृष्ण और बलराम आते हैं तो उनके ही अंग में सारे के सारे उनके अवतार विराजमान होते हैं। तो देखा जाता है, तो वैसे तो देखा जाए तत्व की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है,
लेकिन फिर भी कृष्ण कृष्ण हैं, ओरिजिनल हैं, बाकी सब उनके से उन सबकी मनोवृत्ति क्या है, मैं हम कृष्ण के क्या हैं, दास हैं। देखा जाए तो बलराम और कृष्ण कोई अंतर नहीं है, लेकिन बलराम सदैव अपने को क्या मानते हैं, मैं कृष्ण के सेवक हूँ। तो विष्णु बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, फिर उस हिसाब से ये समझो, ये बताओ जी। तो ऐसा जानने से हमें क्या प्राप्त होगा? नहीं तो तभी तो पता चलेगा। वैसे देखा जाए, देखिए बता रहे हैं ओरिजिनल। हाँ, तो ओरिजिनल बड़े की बात तब होती है जब हम क्या कर रहे हो, अंतर देख रहे हो। तो आचार्य बताते हैं अंतर देखना भी क्या है, अपराध है। बड़े किस दृष्टि में है, कृष्ण अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। आप विष्णु से माधुर्य प्रेम का आस्वादन नहीं ले सकते। आप बोले मैं कृष्ण विष्णु की गोपी बन जाऊंगी, बन सकते हैं आप? बताइए, नहीं। गोपी किसकी बन सकते हैं? कोई जीव किसी के गोपी रूप में सेवा कर सकते हैं, किसकी? कृष्ण की। तो इस भाव में कृष्ण को क्या बताया गया है, सर्वोत्कृष्ट बताया गया है कि कृष्ण अपने भक्तों की हर इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, चाहे वो माधुर्य भाव हो चाहे वात्सल्य भाव। और वैसे उस रूप में अंतर में देखना कि शक्ति में कौन श्रेष्ठ है, तो ये क्या है, हमारा अपराध मानसिकता मानी जाएगी। ठीक है, जैसे कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम रहते हैं, वहाँ परमानेंट रहते हैं ना, वो छोड़ते नहीं कभी, बताते जी 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 बिल्कुल। तो फिर यहाँ पृथ्वी पे आते हैं वो फिर कौन से होते हैं? तो कृष्ण अपने साथ अपना गोलोक भी लेते हैं जी, गोलोक साथ ही लाते हैं ना वो। अच्छा, तो गोलोक भी लाते हैं। अगर गोलोक छोड़ते नहीं है तो इसका मतलब है गोलोक भी साथ लाते हैं। तो जहाँ भी रहते हैं वो गोलोक में ही रहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी आपने स्टार्टिंग में जैसे बताया कि माया देवी जो हैं वो मतलब एक पुलिस ऑफिसर का काम करती है कि वो भक्तों को मतलब लोगों को जीवों को मतलब परेशान मतलब दंड देती हैं कि वो कृष्ण की सेवा कर सकें। तो लेकिन जैसे हम भक्ति में आते हैं तो उसके बाद भी हमारी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंसेज होती हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि हम भक्ति से दूर जा रहे हैं, तो फिर वो क्या ये माया देवी का मतलब प्रभाव होता है या फिर हम मतलब वो क्या है और फिर हम उससे कैसे निकल सकते हैं कि हम भक्ति को कंटिन्यू रखें? एक भक्त का मनोवृत्ति इसमें बताते हैं आचार्य, बताते किस प्रकार की मनोवृत्ति होनी चाहिए। और एक दूसरा एस्पेक्ट भी बताते हैं, दोनों तरफ से समझने का प्रयास करेंगे कि एक भक्त हमेशा ये सोचता है कि मेरे पूर्व कर्मों के कारण मेरे ऊपर क्या आई है, इस प्रकार की विपदा है, कष्ट है, और मुझे क्या करना चाहिए, इन कष्टों में भी क्या करना चाहिए, कृष्ण की कृपा पे पूर्ण आश्रित रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कृपालु हैं और वो जो कुछ भी करते हैं वो क्या करते हैं, मेरी भलाई के लिए करते हैं। तो मुझे उन पे कृपा पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, जो कुछ हो रहा है वो मेरी भलाई के लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये तो भक्त की क्या होती है, मनोवृत्ति की, मानसिक रूप से भक्त यही सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि मेरे पास जो कष्ट आया है वो क्या है, मेरे ही कारण से आया है, मेरे ही पूर्व कर्मों के कारण प्रारब्ध से आया है। और कृष्ण बोलते हैं कि मेरे भक्तों के जीवन में मैं अपने भक्तों को अपने पास लाने के लिए, उनकी उत्कंठा बढ़ाने के लिए, तीव्रता को बढ़ाने के लिए कभी कभी ऐसा प्रयोजन करते हैं कि उनके भक्तों के जीवन में क्या आ जाता है, कष्ट आता है। जैसे पांडव है, अब पांडव आप बोले हैं तो क्या शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन उनके जीवन में कष्ट आना, या गोपियां हैं उनके जीवन में जो कष्ट होता है वो किस लिए है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो उनका उत्कंठा, उनकी इच्छा तीव्र हो जाए और तीव्रता से मेरी तरफ प्रयास करें बढ़ने का। तो दोनों तरफ से समझना आवश्यक है। ठीक है, हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल।